सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने फेस को आप स्मूथ कैसे कर सकते हो एंड ऑयल पेंट एडिटिंग कैसे कर सकते हो एंड बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है, पूरा स्नैप शीट्स ऐप की मदद से पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताएं। तो वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है गाइज एंड चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो हम गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्नैपशीट यहाँ पर हम ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको प्लस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को स्नैपशीट में ओपन कर लेना है। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा फ़ोटो है स्नैपशीट पे ओपन हो गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पेंसिल आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड फिर नीचे की तरफ यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा विंगनेट वाला, तो विंगनेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इसके सैचुरेशन को फुल माइनस कर लेना है, ओके, एंड स्टिल स्ट्राइट को बढ़ा देकर 37 करीब कर देना है एंड कर लेने के बाद सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ क्रॉस आइकन का तीर देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना, फिर व्यू एडिट के ऊपर, फिर विंगनेट के ऊपर, फिर ब्रश के ऊपर, फिर ये छोटा वाला गोल्स ओपन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कोना पे, इसके ऊपर क्लिक करके गाइस यहाँ से इसको फुल माइनस कर लेंगे, ओके, एंड अपने फेस को इरेजर कर लेंगे, जो ब्लैक ब्लैक का इफेक्ट आ गया है इसको हम ऐसे ऐसे चला देंगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो हम चला लेते हैं भाई। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा पूरा स्किन के ऊपर से जो इफेक्ट था ब्लैक कलर का हट चुका है। हट जाने के बाद सही वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ से हम बैक आ जाएंगे एंड अभी क्या करना है, अपने फेस को गोरा करना है, ठीक है। तो गोरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, पेंसिल आइकन पर क्लिक करके एंड यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डर्मा वाला, तो डर्मा वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना गाइस एंड डर्मा ब्राइट, यहाँ पर ब्राइट वन देखने को मिल जाएगा, तो ब्राइट वन के ऊपर क्लिक करना एंड इसको कुछ इस टाइप से इतना ब्राइट कर लेना, 88 करीब कर लेना, ठीक है। कर लेने के बाद सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, फिर क्रॉस तीर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके व्यू एडिट पे, फिर डर्मा वाला ऑप्शन पे, ब्रश पे। सो फ्रेंड, कर लेने के बाद इसको फुल 100 करीब कर लेंगे एंड 100 करीब कर लेने के बाद अपने फेस के ऊपर एंड हैंड के ऊपर चला देंगे जहाँ आपको गोरा करना होगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस टाइप से आपको चला लेना होगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फेस है गोरा हो चुका है, ठीक है। गोरा हो जाने के बाद सही वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब हमको क्या करना है, अपने फेस को स्मूथ करना है, तो फेस को स्मूथ करने के लिए पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा पोर्ट्रेट वाला, तो पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे एंड इसके फेस स्मूथिंग को बढ़ा लेंगे करीब 63 करीब कर लेंगे, स्किन स्मूथिंग को भी बढ़ा कर 91 करीब कर लेंगे एंड आई क्लियरिटी को बढ़ाकर 26 करीब कर लेंगे, ओके, एंड कर लेने के बाद सही वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो जो हमारा फेस स्मूथ हो चुका है एंड अपने हैंड में हम टैटू ऐड करना चाहते हैं, तो टैटू ऐड करने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो टैटू। तो पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पर, प्लस पे। सो फ्रेंड, इस वाला टैटू को हम ऐड करना चाहते हैं, तो इसको ला लेने के बाद नीचे की तरफ तीन ऑप्शन दिखने को मिल जाता है, बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आपको सबट्रेट कर लेना है, ठीक है। सबट्रेट कर लेने के बाद आपको अपने हैंड में, हैंड जहाँ पर आपको वहाँ पर इसे फिट कर लेना है, ओके, एंड फिट कर लेने के बाद सही वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है
फिर इस वाला ऑप्शन पे, फिर व्यू एडिट पे, डबल एक्सपोजर में ब्रश पे, एंड फिर इसको 100 करके अपने हैंड के ऊपर चला लेना। ओके गाइस, सो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टैटू ऐड हो चुका है। ओके, और काफ़ी ज़्यादा मस्त भी लग रहा है, तो इसको हम सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ से बैक आ जाते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारा जो फोटो है पूरा अच्छी तरह से एडिट हो चुका है, एंड इसको सेव करने के लिए इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फोटो सेव हो जाएगा। तो गाइस कैसा लगा इसका वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, स्क्रीन पर आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो कर लेना।